तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से करता हूँ स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका थर्ड T20 मैच जोहान्सबर्ग के क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। इस मैच में टॉस विनर कौन होगा, मैच विनर कौन होगा और क्या इस मैच में टीम इंडिया वापसी करेगी, कौन सा होगा वो खिलाड़ी जो कि इस मैच में टॉप परफॉर्मर रहेगा, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, मैच के प्रेडिक्शन क्या है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रिकॉर्ड, स्टार्ट सभी को नजर में रखते हुए कौन सी टीम होगी विनर इस मैच में जानेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम पे इसी मैच की आपको जैकपॉट एंट्री मिलेगी। इसी मैच में सेशन, बिग बैश लीग का टॉस और बिग बैश लीग की प्रेडिक्शन, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा मेरे। और ड्रीम इलेवन टीम भी यदि आप चाहते हो तो वो भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बस करना क्या है आपको, मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करने की लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उस लिंक में क्लिक करते ही आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। यदि बात करते हैं दोस्तों मैच की, तो डेट जो है दोस्तों वो 14th December है, यानी कि लकी नंबर आज का 5 हो गया और दिन आज का हो गया गुरुवार। यदि बात करते हैं दोस्तों लकी नंबर की, आज का लकी नंबर है 5। यदि पहले हम बात करते हैं टीम साउथ अफ्रीका की, तो इनका है सनी स्वामी नेगेटिव पॉइंट, इनका लकी नंबर 5 पॉजिटिव पॉइंट। कैप्टन की बात करते हैं एडम मरकरम, इनका जो स्वामी है दोस्तों मंगल स्वामी है पॉजिटिव पॉइंट, इनका लकी नंबर 4 अगेन यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट। मीन्स जो साउथ अफ्रीका टीम है इनको 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। यदि बात करते हैं टीम इंडिया की, तो इनका है दोस्तों शुक्र स्वामी और दिन है गुरुवार, मतलब नेगेटिव पॉइंट, लकी नंबर इनका 3 है, यहाँ पे भी जाएगा इनको 1 पॉजिटिव पॉइंट। यदि बात करते हैं कप्तान सूर्यकुमार यादव की, इनका है सन्नी स्वामी नेगेटिव पॉइंट, इनका लकी नंबर 5 पॉजिटिव पॉइंट। इन्हें इंडिया के पास भी 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। यदि बात करते हैं टॉस विनर की, तो मेरे अकॉर्डिंग इस मैच में आपको टीम साउथ अफ्रीका टॉस विन करते हुए दिखाई दे सकती है। यदि बात करते हैं दोस्तों पिच रिपोर्ट की, तो जोहान्सबर्ग के क्रिकेट स्टेडियम में यानी वांडरर्स के स्टेडियम में मैच होने वाला है, जहां की एवरेज जो स्कोर है दोस्तों वो है 171 का। और यहाँ पे बैटिंग सेकंड जो टीम करती है, मतलब टारगेट यहाँ पे चेस होता है, तो सेकंड टीम जो बैटिंग करेगी उसके जीतने के चांस ज्यादा रहेंगे। यदि बात करते हैं यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर की, 260 का यहाँ पे बना हुआ हाई स्कोर और 208 यहाँ पे ऑलरेडी चेस हो चुके हैं, मतलब कि यहाँ पे हाई स्कोर भी चेस हो जाते हैं। और आज के मैच में भी बैटिंग सेकंड जो टीम करेगी वो टारगेट को चेस कर सकती है। यदि बात करते हैं टॉप परफॉर्मर की, तो स्टार्ट को देखते हुए और साथ ही प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए यहाँ पे आपको सूर्य कुमार यादव, एक बार फिर से अर्शदीप सिंह, डेविड मिलर, एडम मरकरम और कोइट्ज़े, ये 5 खिलाड़ी होने वाले टॉप परफॉर्मर इस मैच में, और इन्हीं 5 में से एक बनने वाला है यहाँ पे मैन ऑफ द मैच। तो इन खिलाड़ी को अपने ड्रीम इलेवन टीम में शामिल कर लेना। बाकी पूरी ड्रीम इलेवन टीम चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने की। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यदि बात करते हैं दोस्तों मैच विनर की, तो मेरे अकॉर्डिंग मैच काफी अच्छा होगा, हाई स्कोरिंग गेम्स हो सकता है, बट इस मैच में भी आपको टीम साउथ अफ्रीका विन करते हुए दिखाई दे सकती है। जी हाँ, इंडिया इस सीरीज को हार सकती है और अफ्रीका 2-0 से इस सीरीज को जीतने वाली है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम पे नहीं हो तो एक बार फिर से कहता हूँ कि बीबीएल में जो टॉस विनर है, बीबीएल का जो मैच है प्रेडिक्शन है, वो आपको मेरे टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करोगे ज्वाइन हो जाओगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।